हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूड मैकेनिक्स लास्ट वीडियो में हमने जो हाइगन हाइगेंड इक्वेशन है वो हमने डिराइव किया था ठीक है और हम आज देखने वाले हैं हम फ्लो बिटवीन टू पैरल प्लेट्स एंड कॉर्टी फ्लोर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सो so, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो बिटवीन टू पैरल फिक्स प्लेट यहाँ पर दो प्लेट्स हैं हमारे पास ठीक है लेटेस से दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी और दोनों फिक्स हैं ठीक है अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई फ्लूड है ठीक और इस फ्लूड की डेंसिटी जो है दैट इज रो यहां पर कोई फ्लूड है और इसकी जो डेंसिटी okay. so, मिलेगा, मिलेगा हमको नेवियर स्टोक इक्वेशन से ठीक है हम जानते हैं नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन में जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दूड एलिमेंट होता है दैट इज द ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस द विस्कस फोर्स, ठीक है ग्रेविटी फोर्स प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमको जो इक्वेशन मिलता है दैट इज नेवियर स्टोक इक्वेशन अब इस कंडीशन में नेवियर स्टोक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ठीक है और उस सोल्यूशन से हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो इसका हमको शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है मैक्सिमम वेलोसिटी मीन वेलोसिटी और हमको हेड uh, लॉस की जो वैल्यू होगी इस कंडीशन में हमको मिल जाएगी ठीक है सो दिस इज अ रियल फ्लूड अब मैंने इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो गैप है लेट अस से दैट इज टी इसके बीच का जो गैप है दोनों प्लेट का वो स्मॉल टी मैंने कंसिडर कर लिया है ठीक है यहां पर जो मैं एलिमेंट ले रहा हूं उसका जो थिकनेस है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ठीक है मतलब जैसे मैंने एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन लिया है तो जेड डायरेक्शन जो होगा जेड डायरेक्शन में इसका जो डायमेंशन है दैट इज यूनिटी इसकी जो थिकनेस है यानी कि दैट इज यूनिट तो द थिकनेस ऑफ एलिमेंट द थिकनेस ऑफ एलिमेंट इज यूनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए

डेल एक्स इंटू डी एक्स यहां पर ये यह प्रेशर हो जाएगा ठीक है अब यहां पर प्रेशर आ गया अब प्रेशर कर आने वाला फोर्स वो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इस सरफेस का इस सरफेस का जो एरिया होगा दैट विल बी डी वाई इंटू दिकनेस दैट इज वन सो दैट विल बी डी वाई इंटू वन ये मिल गया आपको प्रेशर फोर्स और इस तरफ भी हो जाएगा एरिया दैट इज डी वाई इन टू वन ये इस तरफ का प्रेशर फोर्स मिल गया सिमिलरली जो जो ये वाला फेस फेस है जो है इसमें लगेगा एक शेयर स्ट्रेस ठीक है शेयर स्ट्रेस लगेगा यहाँ पर टाव। टाव यहाँ पर शेयर स्ट्रेस लगेगा अब वाई डायरेक्शन में जब हम ऊपर जाएंगे तो जो दूसरा सरफेस हमको मिल रहा है उसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू डिफरेंट होगी ठीक है so, तो जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी टाउ प्लस डेल टाउ बा हम डैश में गए तो डेल्टाई डेल वाई इंटू डी वाई ठीक है ये भी हमने टेलर्स एक्सपांशन से लाया इस सरफेस में जो शेयर स्ट्रेस है और दोनों शेयर स्ट्रेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ठीक है सो so, यहां पर अब शेयर फोर्स आ जाएगा शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया इस फेस का एरिया हो जाएगा डी एक्स इंटू वन डीएक्स इंटू वन तो यहाँ पर हमने जो सारे फोर्स है एक्टिंग ऑन द एलिमेंट वो ड्रॉ कर लिए है so, सो सबसे पहले अब हम निकालेंगे इसके लिए विलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो देखते हैं सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हम सेहत स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे समेशन ऑफ फोर्सेस अब समेशन ऑफ फोर्सेस को करने से पहले यहां पर हमको कुछ कुछ चीजें जानना जरूरी है जैसे कि सबसे पहले जो इसका एजम्पन है वो देखते हैं ठीक तो इसमें सबसे बेसिक एजम्पन है दैट इट इज स्टडी फ्लो इट इज स्टडी फ्लो स्टडी फ्लो ठीक है स्टडी फ्लो है दैट इज देर इज नो एक्सलरेशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो दैट मीन्स देर इज नो एक्सलरेशन देर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द डायरेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ठीक है दूसरा जो फ्लूड है दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूड इज इनकॉम्प्रेसिबल ठीक है इनकॉम्प्रेसिबल और तीसरा जो प्रेशर ग्रेडियंट है दैट इज कॉन्स्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट लिखते हैं हम डेल पी बाई डेल एक्स ओके ये जो है दैट इज कांस्टेंट प्रेशर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट तो ये इंपॉर्टेंट एजम्पशन हैं इसको यूज करते हो हम जो डेरिवेशन इसको हम प्रोसीड करेंगे ठीक है सो सोलॉसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ से क्या हो जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू इट्स मास इन टू एक्सेलरेशन ठीक है एंड एक्सलेशन भी कहा किसका लेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स जो आपका फ्लूड है वो मूव कर रहा है ठीक सो समेशन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू

एंड विस्कस फोर्स दैट विल बी इक्वल टू एम ए ठीक है ये अपना फंडामेंटल इक्वेशन बनेगा एंड दैट विल गिव एन एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ नेवियर इक्वेशन ठीक है सो so, अब देखते हैं इसमें प्रेशर फोर्सेस क्या क्या है तो ये जो हमने इक्वेशन डिराइव किया उसको उसके हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं ठीक है सो so, इस सरफेस पे लगने वाला प्रेशर फोर्स दैट इज पी इंटू डी वाई इंटू वन ओके ये फ्लो के अपोजिट है इसको लिखेंगे माइनस

अब हमने एज्शन किया है कि जो फ्लो है वो स्टडी है ठीक है स्टडी फ्लो है सो देर विलो एक्सन एक सोल्व करते हैं हम आएगा पी इंटू डी माइनस पी इंटू डी वाई माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई माइनस टाउ डी एक्स प्लस टाउ डी एक्स प्लस डेल टाउ बाई डेल वाई इनटू डी वाई इनटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है माइनस पी डी वाई माइनस पी डी वाई कैंसिल हो गया माइनस टाउ डी एक्स प्लस टाउ डी एक्स कैंसिल हो गया तो आ गया माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इनटू डी एक्स इनटू डी वाई प्लस डी डेल टाउ बाई डेल वाई इनटू डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आ गया डेल टाउ बास लॉ ऑफ विस्कॉसिटी से मैं टाउ के लू लिख सकता हूं ओके सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी हम जानते हैं न्यूटन्स लॉफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डेल यू बाई डेल वाई ये लिख सकता हूं मैं ठीक है सो लेटर से दिस इज इक्वेशन नंबर टू सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेसन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाई डेल यू इन टू म्यू डेल यू बाई डेल वाई इसको मैं लिख सकता हूँ डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू म्यू डेल स्क्वायेर यू बाई डेल वाई स्क्वायर ओके नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं मैं डेल स्क्वल टू वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे यू यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू मिल जाएगी सो so, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम so, सो मिलेगा डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वाई प्लस सी वन ये मिलेगा हमको ठीक है याद रखना यहां पर हमको हमने एज्यूम किया डेल पी बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट है ठीक है फिर से इंटीग्रेट करते हैं अगेन इंटीग्रेटिंग हमको यहां पर मिल जाएगा यू इज इक्वल टू वन बाई म्यू यूज इक्वल टू वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन वाई प्लस सी टू जहा सी वन और सी टू जो है दैट आर दी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है अब हम लिमिटिंग कंडीशन पुट करेंगे जो बाउंड्री कंडीशन है उनको पुट करेंगे और सिविल सिटी की वैल्यू निकालेंगे तो चलिए देखते हैं तो जैसा कि हमने दो प्लेट्स ए और बी कंसिडर की थी और दोनों प्लेट फिक्स थी ठीक है अब अगर ये जो फ्लूड है ठीक है अगर वो नो स्लिप कंडीशन को फॉलो कर रहा है नो स्लिप कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो होगा ये कि जो वॉल है वॉल पे फ्लूड की वेलोसिटी लिया है ठीक है सो so, ये हो गया आपका वाईक्वल टू जीरो और ये हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू टी ठीक है वाई इक्वल टू जीरो पे होगा आपका यू इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू जीरो हमको boundary, boundary मिल रहे हैं अब इन बाउंड्री कंडीशन के लिए हम देखते हैं

वन इक्वल टू माइनस वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स टी बाई टू ये यह आपका C1 का वैल्यू अब C1 और C2 की वैल्यू उठा करके मैं यहां पुट कर देता हूँ तो आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशनिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन U इक्वल टू वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन की वैल्यू है माइनस वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी बाई टू सी वन इंटू वाई सो दैट इज इंटू वाई प्लस सी टू आ गया आपका जीरो सो यहाँ से आ रहा है यू इक्वल टू वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स टी इंटू वाई बाई टू ओके यहाँ से वन बाई म्यू डेल पी बाय डेल एक्स मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो यह आ जाएगा u इक्वल टू वन बाई म्यू डेल p बाई डेल x इंटू वाई स्क्वायर बाई टू माइनस टी इंटू वाई बाई टू ओके सो मैं अब टी इंटू वाई बाय टू इसमें से यहां से टू कॉमन निकाल लेता हूं मैं सो so, ये हो गया u इक्वल टू वन बाई वन बाई टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स टू वाई स्क्वायर माइनस टी इंटू वाई सो ये आ गया आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब हम देखेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जानते हैं कि टाउ इक्वल टू होता है म्यू डेल यू बाई डेल वाई, वाई ओके सो so, इस इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूं अपना टाउ की वैल्यू ये हो जाएगा म्यू इनटू डेल बाई डेल वाई यू की वैल्यू है वन बाई टू म्यू इनटू डेल पी बाई डेल एक्स इनटू वाई स्क्वायर माइनस टी इनटू वाई ठीक है ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू म्यू जितने कौंस ये तीनों कांस्टेंट टर्म्स हैं ठीक है थीके? इनको बांट ले आता हूँ मैं ये हो जाएगा वन बाई टू म्यू इन टू डेल पी बाई डेल एक्स हो जाएगा डेल बाई डेल वाई वाई स्क्वायर माइनस टी इन टू वाई ये आ गया आपका वन बाई टू डेल पी बाई डेल एक्स डेल पी बाई डेल एक्स ये हो जाएगा वाई का डेट इज टू वाई माइनस टी ओके सो दिस इज द दियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सो so, हमारे पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल है और जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के इक्वेशन आ चुके हैं ठीक है जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो इक्वेशन है उसको ऑब्जर्व करने पे मुझे समझ आ रहा है कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है सिमिलरली जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऑब्जर्व करने पे समझ आ रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका जो हाइएस्ट ऑर्डर है दैट इज वन और इसका हाइएस्ट ऑर्डर दैट इज टू ठीक है सो विलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो फॉर फॉर टू पैरल फिक्स प्लेट्स दैट विल बी अ पैराबोलिक कर ठीक है एक पैराबोलिक कर मुझे मिलेगा फिक्स पैरल प्लेट्स केस में फॉर विलॉसिटी डिस्ट्रीब्यूशनिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक सिमिलरली मैं जान इस इक्वेशन से देख सकता हूं शेयर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन के एट वाई इक्वल टू एट वाई इक्वल टू टी बाई टू जो हमने प्लेट के बीच जो थिकनेस थी वो हम, जो विथ जो गैप था प्लेट के बीच का गैप वो हमने टी लिया हुआ था ठीक है सो टी बाय टू विल बी दिस सेंट्रल एक्सिस दैट इज एट सेंट्रल एक्सिस और सेंट्रल प्लेन बोल सकता हूं मैं इस इक्वेशन से देखने को मिल रहा है कि टाउ आ जाएगा आपका जीरो ठीक है ठीक है यहाँ पर अगर मैं वाई की जगह टी बाई टू पुट कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो सो मिनिमम वैल्यू दैट इज जीरो शेयर स्ट्रेस मुझे मिलेगा एट वाई इक्वल टू टी बाई टू और मैक्सिमम मुझे मिलेगा एट वाई इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू टी ठीक है टाउ मैक्स आपको मिलेगा एट वाई इक्वल टू जीरो एंड एट वाई इक्वल टू टी ठीक है इन दो वैल्यूज पे आपको टाउ की मैक्सिम वैल्यू मिलेगी तो इस तरह से आपको शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर मिलेगा ठीक है सो दिस इज मैक्स और इसको नॉट नॉट बोलूंगा हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल शेयर स्ट्रेस को ठीक है दिस इज वॉल शेयर स्ट्रेस या स्ट्रेस एट वॉल ठीक है सो दिस इज दिस दिसर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिवोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन टू पैरल फिक्स प्लेट्स सो अब देखते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो हमारे पास जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर मैं y की जगह पुट कर दूं टी बाई टू यानी कि फिर मैं सेंट्रल प्लेन की बात करूं तो सेंट्रल प्लेन पे मुझे मिलेगा वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू सो यू मैक्स यू मैक्स विल बी इक्वल टू वन अपॉइन टू पाई डेल पी बाई डेल एक्स इन टू वाई की जगह टी बाई टू होल स्क्वायर माइनस टी इन टू टी बाई टू ओके okay, इसको सोल्व करने पे आ जाएगा वन बाई टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स टी स्क्वायर बाई फोर माइनस टी स्क्वायर बाई टू इसको सॉल्व करने पे आ रहा है माइनस वन अपॉन एट म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर ठीक है ये आ गया आपका यू मैक्स सो यू मैक्स इज माइनस वन बाई एट म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर सो दिस इज द मैक्सिमम विलोसिटी ठीक है अब हमारे पास जो विलासिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ गया हमारे पास मैक्म विलॉसिटी आ गई तो अब हम निकाल सकते हैं हम एवरेज विलॉसिटी या मीन विलॉसिटी ओके मीन विलोसिटी या एवरेज विलोसिटी सो हम जानते हैं एवरेज विलॉसिटी या फिर मीन विलासिटी से कहते हैं उसके कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम डिस्चार्ज अपऑन एरिया करते हैं ठीक है तो अगर मैं डिस्चार्ज निकाल लूँ तो फिर मुझे उसे एरिया से डिवाइड करना होगा वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे डिस्चार्ज डिस्चार्ज निकालता हूं मैं कैलकुलेट करने के लिए किसी एलिमेंट के थ्रू होने वाला डिस्चार्ज मैं देखता हूं तो जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया था उसे मैं रिक्रिएट करता हूं सो so, मैंने वॉल से वाई डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया था जिसकी जो विथ थी डैट वॉज डी एक्स और उसकी जो हाइट थी डेट वॉज डी वाई ठीक है और इसकी जो थिकनेस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो मैंने यूनिटी ली हुई थी सो so, अगर इस पर्टिकुलर वाई डिस्टेंस पे जो यूलॉसिटी है दैट इज यू यू इज द विलोसिटी एट एनी डिस्टेंस वाई ठीक है तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट से फ्लो होने वाले फ्लूड का डिस्चार्ज हो जाएगा आपका डी क्यू दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ the फ्लो दैट इज डी वाई 1 into the velocity that दैट इज यू ओके और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा अगर मैं गिवन लिमिट्स के बीच में तो मुझे टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फ्रॉम जीरो टू क्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी वाई की जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम वाई इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू टी हो जाएगा अब यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यू है आपका वन बाई टू म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू टी इंटू डी वाई ओके सो इसको इंटीग्रेट करता हूँ मिल जाएगा आपको क्यू इक्वल टू वन बाई टू म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स ये कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लेता हूँ ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इंटू टी फ्रॉम जीरो टू टी सो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू माइनस वन बाई टेल मू इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी क्यूब ठीक है अब मैं जानता हूं यू मीन याद इसको मैं लिख सकता हूं यू बार और सिंपली मैं इसको मैं लिख सकता हूँ वी जो भी हम मेरे को कन्वीन लगे आप यूज कर सकते हो ठीक so, है सो क्या ये हो जाएगा डिस्चार्ज अपॉन द एरिया ऑफ फ्लो एरिया ऑफ फ्लो ठीक है अब जो ये प्लेट है इनके बीच का जो गैप था दैट वॉज टी ओके और जो इसकी विथ है और इसकी थिकनेस है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस डेट वॉज यूनिटी सो एरिया हो जाएगा इसका टी इंटू वन ओके तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी क्यूब अपॉन टी इंटू वन सोल्व कर दिए इसको तो यहां से आ रहा है यू मीन यू मीन आ रहा है माइनस वन बाई ट्वेल्व म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन वेलोसिटी तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है या मीन वेलोसिटी है दैट इज यू मीन उसकी वैल्यू आई माइनस वन बाई ट्वेल्व म्यू इंटू डेल पी डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर और हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लूड है वो है यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एट म्यू डेल पी डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर तो अब हम यहाँ से देखेंगे यू मैक्स और यू मीन के बीच में रिलेशन ठीक है तो हम डिवाइड कर देते हैं यू मैक्स और यू मीन को सो यू मैक्स डिवाइडेड बाई यू मीन तो ये जाएगा माइनस वन बाई एट म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क् माइनस वन बाई ट्वेल्व म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी ये कैंसिल हो गया म्यू से म्यू कैंसिल हो गया सॉल्व करने पे आ रहा है यू मैक्स बाई यू मीन इक्वल टू थ्री बाई टू ओके यू मैक्स बाई यू मीन आ गया आपका थ्री बाई टू यानी कि लिख सकता हूं जो यू मैक्स है यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ट इज़ वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ यू मीन यानि कि जो मैक्सम विलोसिटी होती है किसी पैरल फिक्स प्लेट के केस में वो मीन विलॉसिटी का से डेढ़ गुना होती है तो ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ये जो फार्मूला है वो हमको यूज हो सकता है सो दिस इज अ वेरी यूजफुल फार्मूला और गेट में भी डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं सो so, अब हम देखते हैं हेड लॉस इन फ्रिक्शन हेड लॉस इन फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए फॉर टू पैरल फिक्स प्लेट मैंने प्लेट की एक लेंथ कंसिडर करी है दैट इज एल और मैंने प्लेट पे दो सेक्शन काटे हैं बिटवीन लेंथ एल सो ये सेक्शन नंबर वन वन है एट एक्स इक्वल टू जीरो सेक्शन नंबर टू है एट एक्स इक्वल टू एल सो लेट अस से दिस इज एक्स वन एंड दिस इज एक्स टू ठीक है अब जो सेक्शन नंबर वन है उस पर प्रेशर है आपका पी वन सेक्शन नंबर टू पे प्रेशर है पी टू और दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है दैट इज ओके okay, एंड जो यू मीन है दैट इज दी मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो अब मैं जानता हूं यू मीन या इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं वी इक्वल टू होता है माइनस वन बाई ट्वेल्व म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रियरेंज करके दैट इज डेल पी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व म्यू इंटू वी इंटू डेल एक्स बाई टी स्क्वायर अब इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट करने से मुझे जो सेक्शन नंबर वन और सेक्शन नंबर टू के बीच प्रेशर ड्रॉप है वो मिल जाएगा सो so इंटीग्रेटिंग इसको मैं सेक्शन नंबर वन से टू के बीच इंटीग्रेट करता हूं तो मिल जाएगा फ्रॉम पी वन टू पी टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम पी वन टू पी टू ऑफ डेल पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू ऑफ माइनस ट्वेल्व न्यू इंटू वी इंटू डेल एक्स बाई टी स्क्वायर तो ये हो जाएगा पी टू माइनस पी वन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व इंटू म्यू इंटू वी बाई टी स्क्वायर स्क्स एक्स सो एक्स लिमिट्स से एक्स वन टू एक्स टू सॉल्व करते हैं इसको हो जाएगा पी टू माइनस पी वन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी वन माइनस पी टू सो ये माइनस कैंसल हो जाएगा सो so जाएगा सोएल्व म्यू इंटू वी बाई टी स्क् एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स देगा आपको लेंथ ऑफ प्लेट सो प्रेशर ड्रॉप p1 वन माइनस पी टू कम्स आउट टू बी ट्वेल्व म्यू इंटू वी बाई टी स्क्र इंटू एल सो दिस इज द प्रेशर ड्रॉप नाउ p1 वन माइनस को दैट इज प्रेशर ड्रॉप को अगर मैं उसकी वेट डेंसिटी से डैट इज रो इंटू जी से डिवाइड कर दूं अगर तो मुझे मिल जाएगा आपको सो पी वन माइनस पी टू को मैं अगर रो जी से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा हेड लॉस इन फ्रिक्शन ठीक है सो पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई रोजी इज इक्वल टू हो जाएगा एच एफ एच एफ इज दी हेड लॉस इन फ्रिक्शन बिटवीन टू पैरल फिक्स प्लेट सो एच एफ आ रहा है ट्वेल्व म्यू इंटू वी इंटू एल बाई टी स्क्वायर ओके सो ट्वेल्व म्यू इंटू वी इंटू एल बाई टी स्क्वायर दैट इज दमूला फॉर हेडलॉस इन फ्रिक्शन सो so, अब देखते हैं हम फ्लो। कॉटी फ्लो में क्या होगा जो हमारे पास पहले दो पैरल फिक्स प्लेट्स थे उसमें से जब कोई एक प्लेट फिक्स और दूसरी प्लेट जब मूव करने लग जाए तो हमको जिस तरीके का फ्लो मिलेगा फ्लूड में दैट इज नोन एज फ्लो। ओके सो so, यहां पर डायग्राम से मैं देख सकता हूं यहां पर जो एक प्लेट है वो फिक्स है और दूसरी प्लेट मूव कर रही है विथ अविलोसिटी वी ओके अब हमने देखा था के जो पैरेलल प्लेट्स का फॉर्मला पैरेलल प्लेट्स का जो प्रॉब्लम था उसमें जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया था इंटीग्रेट करने के बाद दैट वाज़ यू इक्वल टू वन बाई म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन वाई प्लस सी टू ये इसके लिए भी कॉमन होगा अब यहाँ पर चेंज क्या होंगे यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो चेंज हो जाएंगी जिससे हमारे जो कॉन्टेंट इंटीग्रल इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स है सी वन सी टू उनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी ठीक है सो बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है पर देखते हैं यहां पर अभी भी एट वाई इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू जीरो है ठीक है यहां पर जो सरफेस है दैट इज फिक्स सरफेस तो फिक्स सरफेस होने के कारण यहां पर जो फ्लू की वेलोसिटी होगी दैट विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो सेकंडली जो हमारा सेकंड प्लेट है वो मूव कर रहा है और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस टी है ओके सो एट y इक्वल टू मिलेगा प्लेट ठीक है सो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस आ गई नई वाली अब इन बाउंड्री कंडीशंस पे बेस हम जो इंटीग्रल कांस्टेंट है C1, c2 उनकी वैल्यू निकालेंगे और हमको जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा फॉर अ क्वार्टी फ्लो उसका इक्वेशन मिलेगा ठीक है सो एट y वाईक्वल टू जीरो सो एट y इक्वल टू जीरो सी टू मुझे मिल जाएगा यहां से जीरो सी टू अभी भी यहां पर जीरो आ रहा है जो पहले इक्वेशन था उसमें भी सी टू जीरो आया था अब एट वाई इक्वल टू टी यू इक्वल टू वी ओके सो इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा वी इक्वल टू वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन इंटू टी ठीक है यहां से सी वन आ जाएगा आपका वी बाई टी माइनस वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी बाई टू सो दिस इज दी वैल्यू फॉर सी वन अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो सी वन की वैल्यू पुट करने पे आ रहा है यू इक्वल टू वन बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस v बाई टी माइनस वन बाई म्यू डेल पी बाई डेलेक्स इंटू टी बाई टू तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मुझे फाइनली मिल जाएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज यू इज इक्वल टू वी बाई टी इंटू वाई प्लस वाई बाई टी इंटू वाई बाई टी अपॉन टू म्यू इंटू डेल पी बाय डेलेक्स इंटू वाई बाई टी माइनस वन ठीक है ये जो इक्वेशन है दैट इज फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वार्टी फ्लो ठीक है अब यहां पर अगर डेल पी बाई डेलेक्स जीरो हो जाए डेल पी बाय डेलेक्स इक्वल टू जीरो हो जाए ठीक है यानी कि यहां कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं है सारे के सारे सेक्शन पे सेम प्रेशर है ठीक है जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो जीरो हो गया इसका मतलब ठीक सो प्रेशर ग्रेडियंट जब जीरो होगा तो यहां पर मुझे मिलेगा u इक्वल टू वी वाई बाई टी ओके ये वाला जो टर्म है जिसमें डेलपी डेल डायलेक्स मल्टीप्लाइड है वो पूरा जीरो हो जाएगा बचेगा हमारे पास सिर्फ ये टर्म ठीक है सो यू इक्वल टू आ जाएगा वी वाई बाई टी तो यहां पर से मुझे देखने को मिल रहा है अगर प्रेशर डिस्ट प्रेशर जो ग्रेडियंट है अगर वो जीरो हो जाए तो जो विलोसिटी प्रोफाइल मुझे मिलेगी अब विलोसिटी प्रोफाइल जो मिलेगी फॉर कॉटी फ्लो और इस कंडीशन को जब पी बाई डेल पी बाई डेल एक्स डेट इज द प्रेशर ग्रेडियंट जब वो जीरो हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्लेन कॉटी फ्लो प्लेन कॉटी फ्लो और सिंपल कॉटी फ्लो सिंपल क्विटी फ्लो ठीक है सो प्लेन कॉटी फ्लो या सिंपल कॉटी फ्लो के लिए जो विलोसिटी प्रोफाइल होगी दैट इज लीनियर ठीक है दैट इज लीनियर ठीक है वो लीनियर होगी ठीक और फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैं लिख सकता हूं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डी यू बाई डी वाई तो यहां से हो जाएगा डी यू बाई डी वाई विल बी इक्वल टू वी बाई टी ओके तो लिख सकता हूं मैं शेयर स्ट्रेस टाउ विल बी इक्वल टू म्यू इन टू वी बाई टी अब अगर जो प्लेट है जो मूविंग प्लेट है अगर उसकी विलोसिटी वी कॉन्स्टेंट है और जो गैप है दोनों प्लेट के बीच वो टी कॉन्स्टेंट है अगर वी और टी कॉन्स्टेंट है इफ वी एंड टी इज कॉन्स्टेंट तो उस केस में टाउ भी कॉन्स्टेंट होगा ठीक है सो so, जो टाउ की वैल्यू आएगी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सेम होगी ठीक है सो दिस इज दी कॉटी फ्लो ठीक है सो so, आज हमने जो फ्लो बिटवीन टू पैरल फिक्स प्लेट का टॉपिक था और जो कॉटी फ्लो का टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया इसका पार्ट ओवर हो चुका है ठीक है अब हम इस पर कुछ गेट और ई एस पाए हुए हमारे नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको आज का जो टॉपिक है और जो मैंने फॉर्मले बताया और जो भी कॉन्सेप्ट बताया वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अगर आपके कोई भी डाउट्स है आज की वीडियो के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेलाइन को जरूर दबाइए मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू